हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2018 का ये ज्योग्राफी का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसके बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जो आपको अब 20 तारीख को एग्ज़ाम है तो बचे 7 से 8 दिनों में आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रीफर आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल्ड में सॉल्व करना है। दूसरा ये कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको रिवीजन करना है और कुछ थ्योरीज़ को ज़रूर देखना है। और फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ जो यूनिट में नई चीज़ें जुड़ी हैं उसको ज़रूर देखना है। इसके बाद हम उसका एक वीडियो आप प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, जिसमें उसमें दिया रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उससे जो है पिछला दिसंबर में सभी सेट में लगभग पूछे गए थे। तो दिसंबर का जो फर्स्ट पेपर का भी है उसको भी हम लोग कराएंगे यहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, जैसे इस तरह से इसमें देख रहे हैं। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है तो हम हिंदी में पढ़ते चलते हैं, जिसको इंग्लिश में ज़रूरत लगेगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे हिंदी में ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक भूआकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि कौन सा जो है आपका इरोजनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बना है। तो एस्कर है, फ्योर्ड है, वी आकार घाटी या सिफ। सेकेंड ऑप्शन है सर्क, अरेट, प्लाया, स्टिक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि जो पहले पूछा जाता था वो डायरेक्ट एक एक ऑप्शन देता था। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग कई जो प्रक्रम हैं उसके तहत जो बनी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ उसका नाम दिया गया है। तो ये आपका टफ होता है, इसलिए आपको सभी स्थलाकृतियों का डिटेल में अध्ययन करना आवश्यक है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके निश्चित तौर पे आप उसको देख सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने ये पूरा वीडियो इससे रिलेटेड बनाया है। अगर आप इस चैनल के नए व्यूवर हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे फॉलो कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि एस्कर, फ्योर्ड, वी आकार, घाटी, सिफ। सेकेंड है सर्क, अरेट, प्लाया, स्टिक। थर्ड है हिमोड, बरकान, पिनेकिल, शिखरिका, तरंगटिका या तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, लीविस, स्टेलेक्टाइड, स्टेलेगमाइट, ड्रमलिन। तो अगर आप देखेंगे मुनाडनाक और लीविस, तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड जो है राइट आंसर है। अब इसमें से देख लीजिए, जो सर्क, अरेट, प्लाया और स्टिक, ये जो स्थलाकृतियाँ दी गई ये आपका अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का ही परिणाम है। सर्क और अरेट जो है ये हिमानी द्वारा बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लाया जो है पवन द्वारा, स्टैक जो है सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जबकि आपका ड्रमलिन है, एस्कर है ये हिमानी से निर्मित जो है निक्षेपणात्मक हैं, बरखान जो है ये पवन से निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसमें 50 क्वेश्चन टोटल देखने की बात कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करके कंप्लीट कर लिया जाए। इसमें कथन और कारण की बात की जा रही है, एक तरफ कथन दिया गया फिर कारण है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट देखते चलते हैं। कथन क्या है कि पट्टिका, उपांत, मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तर्क है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो यहाँ से जो है ये पूछ रहा है कि तर्क दिया है कि जो प्लेट मार्जिन होती है वह ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र जो है अभिसरण पट्टिका सीमाओं की पर ही अवस्थित होते हैं। अभिसरण और अपसरण दो होते हैं, अभिसरण और अपसरण। तो अभी मतलब ये एक दूसरे की तरफ जब आते हैं प्लेटें और एक दूसरे से दूर जाते हैं उसे अपसरण कहते हैं, पास आते हैं तो अभिसरण कहते हैं। पास आने पे क्या होता है कि जो हार्ड यानी कि मोटी प्लेट है नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर हो जाती है,
तो वहाँ से मोटी प्लेट का जो मलबा है नीचे गर्म की वजह से वो गल जाता है, गल के फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल जो है सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं इस तरह से होता है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों सही है और एक दूसरे का ये तर्क जो है कथन की सपूर्ण व्याख्या कर रहा है। अब आइए डिटेल्ड में यहाँ पे आप स्पष्टीकरण अगर देखेंगे तो उससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के पीछे के कारण क्या है। ज्वालामुखी जो है ये रचनात्मक, यानी आप देख सकते हैं आप सरणी किनारा विनाशात्मक या अभिसरणी किनारा के माध्यम से आता है। विश्व का जो 80% ज्वालामुखी है ये आपका अभिसरणी किनारा और 15% रचनात्मक के माध्यम से आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है मेंटल के ऊपरी भाग के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती यानी तैरती है उसे क्या कहा जाता है। बैरोस्फीयर, मीजोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर। तो अगर आप जानते होंगे कि इसे क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। राइट आंसर इज डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन देखिए, पृथ्वी जो परपटी की गहराई है 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है और इसका जो ऊपरी परत मेंटल है, ये मिडिल परत है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर आपका मेंटल है, फिर कोर है। तो उसके ऊपर जो है भूपरपटी की गहराई तक पाई जाती है 100 किलोमीटर तक, इसके और नीचे जो है मेंटल पाई जाती है और मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर हम लोग कहते हैं यानी दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसके ऊपर परपटी जो है तैरती रहती है। इसी मंडल की से भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। और जो अब देखिए बैरोस्फीयर यानी गुरुमंडल क्या है, 2800 किलोमीटर से केंद्र तक पाई जाने वाली ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंग है जिसमें निकिल फेरियम की मात्रा पाई जाती है। आगे मीजोस्फीयर वायुमंडल के मध्य परत को कहते हैं ये, जबकि हाइड्रोजन का अर्थ है, जो हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रोजन का अर्थ जलमंडल से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत महासागर और सागरीय जल संसाधन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भूगर्भीय दृश्य, भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास धारवाड़, राजस्थान का अरावली, मध्य प्रदेश का विंध्य या पंजाब का शिवालिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं ये। हालांकि इसके पहले का जो आंसर दिया था, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसमें ये आपका आर्कियन क्रम की दिया था, तो इसमें आर्कियन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भारत के भूगर्भीय इतिहास में आर्कियन क्रम में सर्वप्रथम आपका ये आर्कियन क्रम की चट्टान धारवाड़ है, और धारवाड़ जो कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पर इस क्रम की चट्टाने का विस्तार मिलता है, इसलिए इसे धारवाड़ क्रम की चट्टाने कहा जाता है। इसमें खनिज संपदा में यह बहुत ही समृद्ध होता है, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। एमपी में अगर विंध्य की बात करें तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और पंजाब के शिवालिक का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। राइट आंसर ए सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है, यानी समुद्र तल में अगर कोई वैश्विक परिवर्तन आए तो उसके लिए उत्तरदायी क्या है। समस्थिति या एक ऐसे स्टैटिक क्लाइमेट, यूस्टेटिक या डायस्ट्रोफी। राइट आंसर इज यूस्टेटिक। जो यूस्टेटिक यानी सुस्थित की है, यह समुद्र का स्तर पृथ्वी के सागरों की मात्रा के समुद्र स्तर के परिवर्तन को दर्शाता है। ये भौतिक स्तर नहीं है बल्कि समुद्र स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि महासागर में सभी पानी एक ही बेसिन में समाहित हों, यूस्टेटिक समुद्र तल स्थानीय सतहों के सापेक्ष नहीं है, क्योंकि सापेक्ष समुद्र का स्तर टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय वृद्धि और उपचर्म सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो यूस्टेटिक समुद्र तल है यह बॉटम के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। समुद्र तल के स्तर में बदलाव को यूस्टेटिक के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे जो है आपका टाइम जाएगा और यहाँ पे हम कंप्लीट करने में लेट हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा चला जाएगा। ऑप्शन है कि किस विद्वानों का जो समूह है ये पार्श्वी क्षरण की जो पीडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया, यानी कि जो आपका ये लैटरल इरोजन होता है उसमें जो इन्होंने स्टीम फॉर्मेशन में पीडिमेंट्स का है उसमें किसने योगदान दिया, मकोजी पेज ब्लेडर या मैकोगी ब्लैक बर्डर जॉनसन या फिर पेज जॉनसन लासन या फिर पेज ब्लैक बर्डर जॉनसन।
राइट आंसर जो है पेडिमेंट से रिलेटेड, ये समपार्श्वी समतलन सिद्धांत को किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। राइट आंसर इज डी है। तो गिलबर्ट ने जो है पार्श्वीय अपरदन का सिद्धांत दिया था समतल हेतु, और पेज व्लैडर का आंसर ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्वीय अपरदन की भूमिका पर जोर दिया था। जब नदी किसी स्थल का पार्श्वीय अपरदन करती है तो उसे अंतिम अवस्था में तीव्र ढाल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग पेडिमेंट कहते हैं। इस रचना से नदी वेदिकाओं में भिन्न नदी वेदिकाओं से भिन्न होती है। नदी वेदिकाएँ नदी घाटी के पार्श्वों पर सोपान जैसी आकृतियाँ बनाती हैं। यह रचना नदियों के अपरदन कार्य में बनती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का जो दो चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम हेतु द्विचक्रीय सिद्धांत, राइट आंसर इज गार्डनर ने दिया था। हालांकि जो अपरदन चक्र का द्विचक्रीय सिद्धांत है किसने दिया था? डेविस का है। सॉरी यहाँ पे ये गार्डनर नहीं, डेविस ये है। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर की जो द्विचक्रीय सिद्धांत है, ये आपका पहले भी यूजीसी में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे डेविस राइट है। और स्विंटर्न का देख लीजिए क्या है, भौम जलस्तर सिद्धांत है। गार्डनर का क्या है, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत है। और मालोट का आक्रमण सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस लक्षण का निर्माण जो है विवर्तनिक बल के कारण होता है? हैंगिंग वैली, यू आकार वाली घाटी, अंध घाटी या रिफ्ट वैली। जो फीचर आर फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टॉनिक फोर्सेस, जो टेक्टॉनिक फोर्सेस के कारण होता है, उसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्ट वैली जो है विवर्तनिक बल द्वारा रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, जबकि हैंगिंग घाटी और यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। कैसे होता है? हिमानी द्वारा। और अंध घाटी का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कोनराड विच्छिन्नता के बारे में पूछा गया, यह किनके बीच पाई जाती है जो कोनराड विच्छिन्नता है? तो यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर सियाल और सीमा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है। कोनराड जो विच्छिन्नता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाई जाती है, जबकि ये विकल्प में नहीं था, इसलिए आयोग ने नज़दीकी विकल्प सियाल और सीमा को उत्तर सही माना। मोह विच्छिन्नता किसमें है? क्रस्ट और मेंटल के बीच, याद रखिएगा मोह क्रस्ट और मेंटल। कोनराड जो है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, रिपीटी जो है ये आपका अपर मेंटल लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड, लेमान बाहरी क्रोड और इनर क्रोड। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे मिलान करना है आपको। इसमें एक तरफ लेखक का नाम दिया है, एक तरफ बुक का नाम दिया है। तो आइए देखते हैं स्टीयर, स्टीयर की कौन सी बुक है? जियोमार्फोलॉजी, द अनस्टेबल अर्थ, प्रिंसिपल ऑफ जियोमार्फोलॉजी, स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। तो स्टीयर का क्या है? अनस्टेबल ऑफ द अर्थ, ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है वान रिस्थोपिन का क्या है? रिस्थोपिन की क्या है? जियोमार्फोलॉजी है। बुलरिज और मॉर्गन की क्या है? वुलरिच की जो है यहाँ पे आपका स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी है, और थानबरी की प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, 11वां है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? ऑप्शन राइट है इसमें बैगनी किरणों के, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से चर्म कैंसर होता है, जो ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर आ रही हैं, क्योंकि ओजोन परत को पृथ्वी पर कवच जो कहा जाता है, गामा किरण की वेधन क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और इसे हम लोग कैनली हेबिसाइड परत से टकरा कर यह पृथ्वी पर वापस आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर का है, 1 ग्राम जल को 10 सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म के लिए आवश्यक ऊष्मा की कितनी मात्रा होगी? तो राइट आंसर इज 10 कैलोरी। 1 ग्राम जल को 10 सेंटीग्रेड के तापमान में गर्म करने के लिए 10 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित है,
तो भाई हम लोग सबसे पहले देखते हैं कथन क्या है। कथन है कि विषु के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे होती है। तर्क है कि प्रकाश की चमक का एक घेरा सीधे ध्रुव से होकर जाता है, इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए और आर, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकती है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषु के दौरान की बात करें तो पृथ्वी की सभी स्थानों पर प्रकाशयुक्त दिन की अवधि 12 घंटे तक की होती है तथा प्रकाश की अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती है। इस प्रकार अभिकथन व तर्क दोनों सही हैं और तर्क जो है सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी ना रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर, यानी कि जल निकायों को वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है, जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा इसमें क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज सी, ये जो है सही है। आर जो है गलत है, आर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा है ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं होती है, नहीं होती है तो गलत है। तो सी वाला आंसर इसमें सही है। तो जल के तरल में यानी कि वाष्पीकरण की परिभाषा तो आपको पता ही है, और इसके परे तापमान जल वाष्प का हवा में गति पर निर्भर करता है। समुद्र का जो औसत तापमान 63 फारेनहाइट है, 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपरी भाग में विशाल जल वाष्प मौजूद है, ध्यान रखिएगा इसको। वर्ष का अधिकांश समय वहाँ पर उच्च दाब बना रहता है, इस कारण से समुद्र का वाष्पीकरण भूमि की तुलना में अधिक होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि समुद्र का वाष्पीकरण भूमि की तुलना में अधिक क्यों होता है। फिर कथन और कारण का दूसरा क्वेश्चन है, वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। सेकेंड है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी, ये गलत है, यानी कि वायु में नमी की मात्रा में ऊंचे झंझावती बादल का निर्माण होता है, ये गलत है। बी जो है राइट, आर जो है राइट है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, 16वां क्वेश्चन है, प्रक्रिया का बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसमें एक कपासी स्तरी, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो ये प्रक्रिया दिया है ये बादलों के निर्माण से संबंधित है, और ध्यान रखिएगा कि इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें अलग अलग करके आप सभी बादलों का हमने वीडियो बनाया है, तो उसको आप सबके बारे में जान लीजिएगा, किसका कलर कौन सा है, कौन वर्षा करता है, या सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाले कौन से बादल हैं, इन सभी को आप वीडियो में देख सकते हैं। जो क्लाइमेटोलॉजी का हमने प्लेलिस्ट बनाया उसमें आप देखेंगे तो बादलों का वर्गीकरण, उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको क्लियर कराया है। तो इसमें जो देखिए राइट आंसर हम देख लेते हैं डायरेक्ट, तो राइट आंसर आपका स्टेटस है, क्यूमुलस है, आल्टो क्यूमुलस है और सीरो स्टेटस है। और यहाँ से कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में याद रखने की, क्योंकि आपको जो हिंदी में वहाँ पे मिलेगा कभी कभी आपको इसका हिंदी कुछ और ही दे देगा, तो जब हिंदी कुछ और देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कोशिश कीजिए इसको अंग्रेजी में याद करने की, कि सबसे नीचे जो है स्टेटस, फिर क्यूमुलस, फिर क्या होता है कि क्यूमुलस में आप आल्टो जोड़ दीजिए, आल्टो क्यूमुलस, फिर सीरो स्टेटस, ये आपका है। तो यहाँ पे स्तरी, अस्तरी, फिर कपासी, मध्य कपासी, फिर पक्षावस्तरी, ऐसा दिया है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ तथा सर्वाधिक वर्षा स्तरी, सर्वाधिक वर्षा कौन सा है? स्तरीय मेघ द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर कौन है? पक्षाभ मेघ। नेक्स्ट आते हैं,
17वां क्वेश्चन है, एक तरफ आपका दिया जल की बूंदें के प्रकार और दूसरी तरफ उनका जो वेग है कितना किलोमीटर पर आवर है। वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं उनका 7 दिया है, तो इसमें आपको मिलान करना है कौन सा राइट है। तो आप मिलान के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखिए। जल की बूंदों का एक प्रकार दिया गया जो वर्षा की बड़ी बूंदें होती हैं, चूँकि बड़ा होने से यानी कि उसका स्पीड तेज़ होगा। तो आप यहाँ से भी अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बूंदें हैं वर्षा की उनका स्पीड क्या होगा, सबसे तेज़ होगा। फिर जो विशिष्ट वर्षा की बूंदें हैं उनका स्पीड लगभग इससे कम होगा, और जो फुहार बूंदें हैं वो पतली होती हैं, छोटी होती हैं, इसलिए उनका वेग और कम हो जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर के आसपास है। और जो बड़ी मेघ है, यानी कि यहाँ पे बूंद की बात नहीं किया है, मेघ की बात किया है, तो उसका जो रफ्तार है वह और स्लो होता है बादलों का, 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से ये चलती हैं। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ पे कथन दिया गया, पवन जो है वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर प्रधान अंतर का परिणाम है। दूसरा है पवन जो है, तर्क दिया है कि पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास मात्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पवन जो है ये वायुमंडलीय दशा में या वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम है, ऐसा नहीं है, क्षैतिज भी चलती है ऊर्ध्वाधर भी चलती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का एक प्रयास है, तो ये भी राइट है कि पवन जो है तभी बहती है जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो जगह क्रिएट होता है, एक जगह LP होगा एक जगह HP, यानी कि लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हाई से लो की तरफ हवाएं चलती, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसको बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पे एक प्राकृतिक रूप से किया गया प्रयास है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी कथन और कारण की ही बात की गई है। कथन कह रहा है कि मध्य अक्षांश चक्रवाती दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व में पश्चिम की ओर चलने वाला दाब समूह होता है, तो ये राइट नहीं है। और तर्क में अगर देखें तो ये अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीतग्रांत और एक उष्णाग्रांत होता है, यानी कि एक शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र होता है, तभी यहाँ पे चक्रवात की दशा उत्पन्न हो पाती है, क्योंकि ये एक दूसरे की तरह प्रतिलोपित होते हैं, जिससे यहाँ पे एक चक्करदार हवाओं का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला जो है मध्य अक्षांशी चक्रवात की बात करें तो ये आपका गलत है, दूसरा जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कथन और कारण ये, ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक स्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तर्क दिया है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्ववायु गमन होता है, ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्ववायु जो है गमन करता है, तो राइट आंसर इज यहाँ पे सी, ये सही है, लेकिन आर गलत है, ये सही है। ताप व्युत्क्रम का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ऊंचाई के साथ जो तापक्रम घटने के बजाय अचानक जब घट जाता है यानी बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को ताप व्युत्क्रम या ताप विलोमता कहते हैं। इस प्रक्रिया से वायु का जो अत्यधिक ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाता, इसलिए अभिकथन यहाँ पे सही है, और यहाँ पे जो तर्क दिया गया है वो आपका गलत है, राइट वो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 21वां क्वेश्चन है कि किस तट में संकीर्ण महाद्वीप शिल्प पाया जाता है, यानी कि बहुत ही पतला बहुत ही सकरा जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, नहीं महाद्वीपीय तट जो सेल्फ होता है, तो इसमें चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, तो राइट आंसर जो है दक्षिण अमेरिका जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत कम है, बहुत नैरो है। अब डिटेल में देख लीजिए कि जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पेरू जैसे चिली देश पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय सेल्फ अटलांटिक सागर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्रेटन जो है ये कौन सी चट्टान से संबंधित है, ग्रेनाइट, संगुटिकास्म, स्लेट या फिलाइट, राइट आंसर इज ग्रेनाइट से संबंधित है क्रेटन।
डिटेल देख लेते हैं। क्रेटन शब्द का पहली बार यूज 1981 में ऑस्ट्रेलियाई मूल के जो भूविज्ञानी हैं क्रेटोजन उनके रूप में प्रस्तावित किया गया, जिसमें स्थिर महाद्वीपों का जिक्र किया गया। क्रेटन प्राचीन क्रिस्टलीय तहखाने चट्टानों से बने हैं, जिसके अंतर्गत चट्टानी और बैसाल्ट चट्टानें आती हैं। लिस्ट एक और दो को मिलाना है आपको, और इसको डिटेल में थोड़ा सा देखना है। मध्य महासागरीय कटक यानी कि मिड अटलांटिक रिज, मिड ओशनिक रिज, ये कहाँ पे पाया जाता है? मध्य अटलांटिक सॉरी मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज कहाँ पे पाया जाता है? और दूसरा है सागर दिया, इससे रिलेटेड। तो पहला दिया है कार्ल्सबर्ग कटक, कार्ल्सबर्ग जो कटक है ये आपका हिंद महासागर में। दूसरा मिड अटलांटिक रिज, ये जान ही रहे हैं आप, अंटार्कटिक सॉरी अटलांटिक महासागर में हो गया। ईस्ट पैसिफिक और अंटार्कटिका रिज, बहुत ही आसान है। ईस्ट पैसिफिक जो है ये आपका प्रशांत महासागर का ही है, और अंटार्कटिका का जो कटक है ये आपका अंटार्कटिका महासागर में है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ कटक दिया है, इस तरफ सागर। कार्ल्सबर्ग कटक हिंद महासागर में, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में, ईस्ट पैसिफिक राइज प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका कटक अंटार्कटिक महासागर में। इसके अतिरिक्त 90 डिग्री ईस्ट कटक जो है ये आपका हिंद महासागर, चैलेंजर कटक दक्षिणांटिक महासागर, डाल्फिनिंग कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या A.R. बालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है? A.R. बालेस ने 1876 में कितने प्रदेशों में डिवाइड किया, कितने जंतु भौगोलिक प्रदेशों में? 6। हम उन 6 को देखते हैं। पुरापाषाण, इथियोपिया का इलाका, प्राच्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय और निकटवर्ती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी समुद्री विशेषता मूंगी की चट्टानों के विकास हेतु आवश्यक नहीं है? मूंगा का चट्टान कहाँ विकसित होता है ऐसा पूछा जा रहा है। पहला है कि द्वीप के तट के समीप, छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास, गिहाट या समुद्र टीला। जो राइट आंसर है कहाँ पे ये विकास सहायक नहीं होता है, गुहाट या समुद्री टीला। प्रवाल भित्ति जो समुद्री भागों में मूंगों और शैवालों के निक्षेप से बनते हैं, इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से होता है। यह न तो अच्छा स्वच्छ जल व न ही दूषित जल में पाए जाते हैं। इसके विकास के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और तट के समीप, छोटी चैनलों के समीप, झील के आसपास होता है, जबकि गिहाट या समुद्र चीला के पास इसका कोई संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 देखते हैं, प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? राइट आंसर इज न्यूक्लियर जो टेस्ट है ये आपका नहीं है, जबकि अन्य जो है आपके हैं। नेक्स्ट है कि किस घटक पर USA के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना हेतु विचार किया गया? ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलर मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक तरफ जो आपका यार्डंग लोकेशन दिया है, दूसरी तरफ लिथोलॉजी दिया है। यार्डंग का स्थान दिया है, मतलब जो भी चीज़ें निर्माण होती हैं यहाँ पे उसके बारे में है, और उसके बाद इसमें लिथोलॉजी का भी जिक्र किया गया है। तो यार्डंग का निर्माण कहाँ कहाँ पे, जैसलमेर भारत में किस रूप में होता है? ये आपका ईओसीन चूना पत्थर, खास रेगिस्तान में यानी अफगानिस्तान में। यह आपका मृदा से रिलेटेड रहता है। और नेक्स्ट है सिनाई या मिस्र, न्यूक्लियर बालू से रहता है। सऊदी अरब जो है केलीची चूना पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त के प्रमुख तरंग से संबंधित नहीं है? कौन सा विलुप्त तरंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ABCD, जिसमें ए में है कि मनुष्य। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते चलते हैं। मनुष्य अभी भी प्रमुखतया आखेटक और संग्रहण करने वाला है। यह है आपका जो इसके प्रागैतिहासिक जंगली गुफाओं में रहकर अपना जीवन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन पर व्यंग किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे,
पूर्वी अफ्रीका में भूमि सॉरी पूर्वी अफ्रीका के बिस्वती पर्वतों में भिन्न भिन्न उन्नतांश व वास्तविक मेखला का घटते क्रम में ऊपर से नीचे क्रम क्या है? निम्न भूमि वन राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं एफ्रो राइट आंसर इज एफ्रो अल्पाइन बेल्ट एरिकेसियस बेल्ट बम्बू बेल्ट यानी अफ्राइन मेखला एरिकेसियस मेखला। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या है ऊपर से नीचे तक का पूछ रहा है क्रम। तो घटता हुआ क्रम की बात कर रहा है तो सबसे ऊपर अल्पाइन फिर एरिसेस मेखला बांस फिर आपका निम्न भूमि बना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन 31 भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच किस अध्ययन पर बल देता है? ऑप्शन है एम्पिरिकल इंडक्टिव ला मेकिंग या एडियोग्राफी। राइट आंसर इज ला मेकिंग स्टडीज जो नोमोथेटिक अप्रोच विधि निर्माण के अध्ययन पर बल देता है। इसका प्रयोग भूगोल में व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की विशिष्ट विशिष्टता के बजाय सिद्धांत या मानदंडों के संबंध में समझा जाता है। नेक्स्ट है निदर्शन या पैराडाइम की अवधारणा किसने दी? तो ये राइट आंसर इज कुहन। यहाँ से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं जो फैक्ट है निदर्शन या पैराडाइम कुहन और अपवादवाद कांट पीटर हैगेट द्वारा मॉडल विकसित किया गया पीटेक ब्रिटिश भूगोलविद्या था। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑथर रीजनल ज्योग्राफी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो जो रीजनल ज्योग्राफी में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है ये मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम्बोल्ट काफ़ी योगदान रहा है श्रृंखलाबद्ध भूगोल में यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में ये आपका कार्ल रिटर जी हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म टेलर का है प्रोबेबिलिज्म ये ओएच की स्पॉट का है। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्मागेस्ट आपका टॉलमी। जियोग्राफी का इराटोस्तनीज स्ट्रोलैब की बात हिपार्कस ने की थी। जियोग्राफिया जियोग्राफी का इराटोस्तनीज जियोग्राफिया स्ट्रैबो। 35 देखते हैं मिलान करना है बुक और राथर का नाम मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ऑल पॉसिबल वर्ड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी आर ए डिकिंसन का है ऑल पॉजिटिव वर्ड्स पी ई जिम्स का है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी और नेक्स्ट है एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल नेचर ऑफ ज्योग्राफी हॉटसोन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूगोलविद्ता ने महासागर के जल रंग और इसकी लवणता का सहसंबंध किसने बताया? अल मसूदी इब्न सीना इब्न खालदून या मकदिसी। राइट आंसर इज अल मसूदी। ये अरब भूगोलविद्ता इसने महासागर के जल के रंग और लवणता को सहसंबंधित रूप में देखा और इसकी जो कृति है सोने की चारागाह मेटोज ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे किस विद्वान ने काल स्थान यानी कि स्पेस टाइम की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? हैगरस्टैंड हार्वे पीटर हटिंगटन। राइट आंसर इज यहाँ पे हैगरस्टैंड ने भूगोल में टाइम और स्पेस की अवधारणा दी। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी की बात किसने की थी? हार्वे ने। हटिंगटन ने मानव भूगोल के सिद्धांत की बात की थी। पीटर हैगर ने मानव भूगोल में मॉडल डेवलप करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कौन सा है बुक जो है 100 ऑफ ईयर ज्योग्राफी के लेखक हैं? ऑप्शन है तो राइट आंसर यहाँ पे आपका फ्रीमैन जी हैं। ये पूछा गया है प्रीवियस में 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी टी डब्ल्यू फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किसने मानचित्र की अवधारणा दी यानी कि मेंटल मैप की? तो राइट आंसर आपको पता ही है कि गोल्ड और वाइट ने दी थी।
ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही है। तो नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफर, उसका कंट्रीब्यूशन किस में है, एचएस बैरोज, बैरोज आप जानते होंगे पारतंत्र से रिलेटेड है, डेविस, डेविस का अपर्धन चक्र, जेफरसन का प्राइमेट सिटी, कार्ल सावर का मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। नेक्स्ट आते हैं 41 क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दिया है कि किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय में थोक स्टोर, कार्यालय, संस्कृति और मनोरंजन गतिविधियां उच्च केंद्रित होती, ये राइट है, एकदम राइट है। और दूसरा है कि सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ रियल इस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी हो जाती है, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट है कि किसी, जो राइट आंसर इसमें है कि दोनों सही है और आर जो है ये की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं गुरुत्वम, कौन सा जो तरीके से गुरुत्व मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच अंतर स्थापित किया जाता है, ग्रेविटी मॉडल डज नॉट मेक डिस्टेंस इनटू अकाउंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता जबकि स्थितिज मॉडल उस पर विचार करता है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानों के आकार और प्रावधान नहीं करता जबकि स्थितिज मॉडल स्थानों के आकार पर विचार करता है। तो 42 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, अब इसका हम लोग आंसर देखते हुए चलते हैं। दो ऑप्शन देख लिया था, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण जो मॉडल है एक बार केवल दो स्थानों से संबंधित हो सकता है, चौथा जो मॉडल है गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल दोनों एक समान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा जो है राइट आंसर दे रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार केवल दो स्थानों से संबंधित हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार में दो स्थान से, जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों से अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आते हैं 43वां है, हिस्टोरिक पीरियड दिया है और ड्यूरेशन दिया है, मुगल, प्रागैतिहासिक, पूर्व प्रागैतिहासिक और मध्य काल। तो यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, मुगल 26 से 800, प्रागैतिहासिक 23 से 1800, पूर्व ऐतिहासिक 600 से 500, मध्यकाल 600 से 1800। 44वां देखिए, वाज द मोस्ट अर्बनाइज्ड वन इन 2011। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है 2011 के संग्रह क्षेत्रों में, लक्षद्वीप, दमनदीव, पांडिचेरी, एनसीआर, दिल्ली। राइट आंसर इज डी, एनसीआर दिल्ली 97.5, लक्षद्वीप 78, दमनदीव 75 और पांडिचेरी 68। नेक्स्ट आते हैं 44 देख लिया, 45वां है, एक तरफ मृदा दिया है मृदा, दूसरी तरफ उसकी व्याख्या दी है, इससे भी बार बार प्रश्न आते हैं, कोहर्ड मृदा है मेजर ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, उच्च जनसंख्या का मापन, डिपेंडेंसी रेशियो यानी निर्भरता अनुपात में क्या है कि इसमें उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि है, पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो विशेष चयन विशेषताओं से जुड़े समूह हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट ये आपका एवरेज जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एव वुमेन वियर्स थ्रू आउट हर चाइल्ड वियरिंग ईयर्स ऐसा दिया है। तो कोहर्ट का आपने देखा कि उत्पादक जनसंख्या निर्भरता अनुपात में क्या है कि उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि है, जनसंख्या पिरामिड क्या है ये एक समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह है, और टोटल फर्टिलिटी जो है ये आपका बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने वाले कुल प्रजनित बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है अलग अलग। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ जो है मॉडल की अवधारणा, दूसरी तरफ परिभाषा दी गई है, सेक्टर मॉडल, इसकी अवधारणा परिभाषा नगर के आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से व्याख्या होता है,
नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, न्यूक्लियस ऑफ सिटी यानी कि नगर का केंद्र जहाँ खुदरा स्टोर और कार्यालय अधिक संख्या में स्थित हों। नेक्स्ट है तीसरा बायो रेंट थ्योरी, इसकी बात करें तो ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि रियल इस्टेट की कीमत और मांग बदल जाती है जब सीबीडी की ओर से दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट है सीबीडी, सीबीडी जो है नगरों के आंतरिक संरचना का मॉडल है जिसमें सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकलने वाले क्षेत्र के चारों ओर व्यवस्थित हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बिड रेंट थ्योरी देख लिया आपने, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी देख लिया। अब इसमें इस क्रिस्टालर का एक मॉडल दिया गया है, इसमें आपको बताना है किस प्रकार का ये मॉडल है। तो इसमें कितने हैं टोटल, 7 जो है पॉइंट्स हैं। तो ये आपका कैसा प्रदर्शित करेगा, अगर आप देखेंगे तो ये 6 K6 को डिनोट करेगा या K4 को करेगा या K7 को करेगा या K3 को करेगा। तो इसमें कितने पॉइंट है, 7, तो ये कितने को करेगा, K = 7, K = प्रशासन सिद्धांत यानी प्रशासनिक सिद्धांत। राइट आंसर इज ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं K3 का बाजार नियम, परिवहन K4, प्रशासनिक K7, दक्षिणी जर्मनी में ये हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा मानवीय बस्ती स्थल निम्न चित्र को दर्शाती है, तो ये चित्र दिया था, बहुत ही अच्छा पूछता है ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ब्रीजिंग पॉइंट्स को। नेक्स्ट आते हैं 49वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य समूह में की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी, तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये आपका सही आंसर है। अब आते हैं 50वां क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा मानवीय जननांकी मानदंड जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है, प्राकृतिक परिवर्तन और अशोधित जन्मदर, प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास, या तीसरा ऑप्शन देखते हैं नेट माइग्रेशन एंड फैसिलिटी रेट यानी कुल प्रवास और अंतरदर, नेट इमिग्रेशन एंड बोथ रेट यानी कुल प्रवास और जन्मदर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर इज बी, तो इसमें कौन सा सही है, बी, प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास जो है ये आपका जनसंख्या मानदंड यानी जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।